यस बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आशा करता हूं बेटा आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा आज मैं आपको नया टॉपिक लेकर के आया हूं एंड दिस वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपको ध्यान होगा इससे पहले मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर आपको वीडियोज आपको सेंड किए थे, अपलोड किए थे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया वो आया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटरिंग ऑफ दियर लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, लास्ट नंबर के इलेक्ट्रॉन की एंट्रिंग को बेस मान करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिस्पेक्टिवली एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ। लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन अगर मान लो उनका एस वाला सबशेल है उसमें जा रहा है या पी में जा रहा है या डी में जा रहा है या एफ में जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटरिंग ऑफ लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फोर कैटेगरीज, फॉलोइंग फोर ब्लॉक एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। दैट्स व्हाई टुडे वी हैव द टॉपिक इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एंटरिंग ऑफ लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू द एफ सबशेल। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एलिमेंट किसके नाम से जाने जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से ही जाने जाते हैं। ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, इनको एक नाम और दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड, इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको नाम दिया जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट से डिराइव होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उनको नाम दिया था, ठीक है। अगर मान लो ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करें उनमें से जिंक, कैडमियम, मर्करी को छोड़कर के बाकी जो एलिमेंट्स थे उनको नाम दिया था ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है Dn-1d 1 to 9 जो बनता है उन्हें नाम दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट से जो डिराइव होते हैं उन्हें नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं अगर मैं इनकी बात करूं तो ये सारे के सारे अपने आप में इन्हें बोला जाता है दीज आर हैवी मेटल्स। ये भाई अपने आप में हैवी मेटल्स होते हैं। इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। या जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। क्या बोला बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। या ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड आयंस। ये कलर्ड आयंस बनाते हैं। या जो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं। ध्यान से सुनिए आप, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में हैवी मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ये कलर्ड आयंस बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है बेटा। जितने ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं अगर मैं आपको बोलूं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इफ यू वॉन्ट टू राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोले तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2F1-14 N-1D0-1 और NS2, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है N-2F1-14, N-1D0-1 और NS2। ध्यान से सुनेंगे कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो जो एफ वाला जो ऑर्बिटल होगा या एफ वाला जो सबशेल है उसके अंदर एंटर करता है। और अगर मान लो एफ वाले ऑर्बिटल में या सबशेल में इलेक्ट्रॉन की एंटरिंग हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा N-2F के अंदर एंटर कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन N-2F में एंटर करता है तो इस शेल को जो N-2F शेल होता है बेटा, इसे नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं बेटा? दिस वन इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट। और एंटी पेनल्टीमेट शेल वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होती है जिसे बोला जाता है लास्ट बट टू। व्हाट द कॉन्सेप्ट? अगर मान लो मैं यहां पे एन की अगर बात करूं, अगर एन को मैंने यहां पे 6 ले लिया तो यहां मैं लिखूंगा 6s2, और अगर मान लो यहां मैं लिखूंगा तो यहां लिख दूंगा 5d0-1, और यहां लिखूंगा तो इस कंडीशन में लिखूंगा 4f1-14। दैट्स व्हाई दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसा लिख देंगे। या अगर मान लो मैं यहां पे 7s2 लिखता हूं तो यहां 6d0-1 बनेगा और यहां बनेगा 5f1-14। ये हमारे पास इनका क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। किनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनको हम ऐसे करके डिराइव कर सकते हैं। लास्ट बट टू मतलब जो लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा वो 6s में नहीं जाएगा, 5d में नहीं जाएगा, वो लास्ट नंबर वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f में, या 7s में नहीं जाएगा, 6d में नहीं जाएगा, वो जाएगा 5f के अंदर एंटर करेगा। व्हाट द कॉन्सेप्ट बेटा? क्या बोला गया कि हमारे पास जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2F1-14, N-1D0-1 एंड NS2, और इसको हमने कैटेगराइज किया। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई लास्ट नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एंटरिंग हो रही है, कहां हो रही है? एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल इज दैट विच वन इज कॉल्ड लास्ट बट टू। व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट बट टू? कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की एंट्री, अगर 6s यहां बोल रहे हैं तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f में। अगर 7s अगर बोला जा रहा है तो लास्ट नंबर वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5f के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। तो ये था हमारे पास जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको कैटेगराइज किया है दो टाइप से। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, पहला जो नाम आता है उसे बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और दूसरा नाम आता है उसे नाम देते हैं एक्टिनॉइड्स। तो जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बेटा इनको हमने कैटेगराइज किया। द फर्स्ट वन यहां लिख देंगे लेंथेनॉइड्स, और दूसरा नाम देंगे नाउ द सेकंड वन, ये एक्टिनॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। एक लेंथेनॉइड्स हो गए, एक दूसरे बन गए आपके एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो हैं वो आते हैं सीरियम 58 से लेकर के, और यहां लिया जाता है ल्यूटिशियम 71। ये जो एलिमेंट्स यहां पे आए इट इंक्लूड्स 14 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स बनते हैं बेटे? 14 एलिमेंट्स। और यहां आता है थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103। जितने ये एलिमेंट्स बनते हैं अगेन इट इंक्लूड्स टोटल नंबर ऑफ 14 एलिमेंट्स। ये एक्टिनॉइड के नाम से जाने जाते हैं। दीज आर एक्टिनॉइड, दीज आर लेंथेनॉइड। आज मैं आपको बेटा जो कंसेप्ट करवाने वाला हूं वो मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करवाऊंगा लेंथेनॉइड्स। और एक चीज आपको और बता दूं कि ये लेंथेनॉइड्स हो गए, एक्टिनॉइड्स हो गए, दीज इंक्लूड विद द थर्ड ग्रुप। जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में ये इंक्लूड होते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, मान लो हमारे पास यहां पे आया दिस वन, मैं पीरियोडिक टेबल का थोड़ा कंसेप्ट आपको देता हूं कि यहां आया हमारे पास दिस वन हाइड्रोजन लिथियम
लिथियम के बाद सोडियम हो गया, सोडियम के बाद आ गया पोटासियम। ये पीरियड नंबर वन हो गया, पीरियड नंबर टू है, ये पीरियड नंबर थ्री है, पीरियड नंबर फोर है। पीरियड नंबर फोर की अगर बात करूं तो ग्रुप नंबर जो फर्स्ट बनता है दिस वन जी वन, यहां अगर मैं जी टू की अगर बात करूं तो इसमें आ गया आपका बेरिलियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम। यहां अगर मान लो जी थ्री की अगर बात करें तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट करेंगे पोटासियम आपका 19 हो गया, कैल्शियम 20 हो गया, और कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम 21 हो गया, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। ये हमारे पास फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और इन फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स में यहाँ पे ग्रुप नंबर वन आ गया, ग्रुप नंबर टू आ गया, ग्रुप नंबर जो थ्री आता है स्कैंडियम, इस स्कैंडियम के नीचे आता है यट्रियम वाई, और यट्रियम आपका 39 आ गया, इस यट्रियम के नीचे आता है दिस वन इज, इसे बोलते हैं लेंथेनम 57 हो गया, इसके नीचे जो आएगा उसे बोलेंगे एक्टिनम 89 यहाँ पे आता है। तो मतलब अगर मान लो मैं लेंथेनम हो गया और एक्टिनम की अगर बात करूं तो ये हमारे पास किसमें आते हैं, ग्रुप नंबर थर्ड में आते हैं, और लेंथेनम 57 के बाद जो एलिमेंट आता है उसे बोला जाता सीरियम, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटिशियम 71 ये ग्रुप नंबर थर्ड के अंदर आते हैं और इन्हें लेंथेनोइड बोला जाता है। इसके बाद 89 पे जो एक्टिनम है उसके बाद 90 पे जो आता थोरियम से लेकर के 103 लोरेंशियम तक जो एलिमेंट आते हैं इन्हें बोला जाता है एक्टिनोइड्स। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे पास जितने भी एब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको हमने कैसे करके कैटेगराइज किया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स, अब चलते हैं सबसे पहले लेंथेनोइड के ऊपर वर्क करेंगे। बेटा हमारी हेडिंग बनेगी नाउ लेंथेनोइड्स, या इसको लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं, या इसको या इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी इन्हें बोला जाता है। ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास लेंथेनोइड्स होते हैं फर्स्ट कैटेगरी है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड लेंथेनोइड्स, दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स, दीज आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स। ये अर्थ में बहुत कम कंटेंट में मिलते हैं इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोला जाता है। और जितने भी हमारे पास ये लेंथेनोइड्स होते हैं, ये लेंथेनोइड्स स्टार्ट होते हैं सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटिशियम 71, इतने सारे जो एलिमेंट्स बनते हैं इनको नाम दिया जाता है बेटा दीज आर कॉल्ड लेंथेनोइड्स। ठीक है बेटा, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 4f1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लेंथेनोइड्स। जो लेंथेनोइड्स बनते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 4f, याद रखना आपको इसमें 4f ऑर्बिटल का द 4f ऑर्बिटल इंक्लूड होता है, तो 4f होगा n-2, इसके बाद आएगा n-1d में आएगा दिस वन 5, और यहां आ गया आपका 6s। ठीक है बेटा, और इन सभी से आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नोबल गैस को लेते हैं और वो जो नोबल गैस होती है दिस वन जिनोन। तो इतना सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिनोन का यूज किया, देन 4f, देन 5d, देन 6s। तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, लेंथेनोइड्स या लेंथेनाइड्स या रेयर अर्थ मेटल्स। जितने भी सारे हमारे पास ये लेंथेनोइड एलिमेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन में यहां लिखता हूं, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको भी मैं यहां लिखूंगा। तो देखो बेटा, यहां बेटा जो एलिमेंट्स हैं वो मैं स्टार्ट करता हूं, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग एलिमेंट्स, और यहां लिख भी दूंगा दिस वन इलेक्ट्रॉनिक, या इसको ऊपर लिख देंगे थोड़ा जब कम बनेंगे, यहां लिख देंगे लेंथेनोइड्स,
और ये जो लेंथ है नोइड से बेटा, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं, यहां लिख दूंगा सीरियम हो गया, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, थोलियम, इरबियम आएगा पहले, इरबियम, थोलियम नहीं, हाँ ठीक है, इसके बाद आएगा यट्रबियम, और यट्रबियम के बाद आएगा लुटिशियम। ध्यान देंगे बेटा, सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इरबियम, थोलियम, यट्रबियम एंड ल्यूटिशियम। ध्यान देंगे बेटा, यहां जो एलिमेंट्स हैं टोटल नंबर में 14 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। और ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो 58 हो गया, ये 59 हो गया, ये 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ये एलिमेंट्स जो है बेटा, ये हमारे पास आते हैं, दीज आर कॉल्ड, ये लेंथ एंड नोइड्स के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी ये 14 एलिमेंट्स हैं, ये किसके नाम से जाने जाते हैं, लेंथ एंड नोइड के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से एक एलिमेंट आता है, उसको नाम देते हैं प्रोमीथियम। ये जो प्रोमीथियम है, ये अपने आप में इसे बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। दिस वन इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है बेटा। अब जितने भी सारे ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे इंक्लूड करवाऊंगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे, लेट अस मूव। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाएगा बेटा। तो यहां मैं लिखूंगा सबसे पहले, नाउ वी हैव सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, यूरोपियम के बाद आएगा बेटा दिस वन गैडोलिनियम, गैडोलिनियम के बाद आएगा टर्बियम, टर्बियम के बाद आएगा डाइस्प्रोसियम, डाइस्प्रोसियम के बाद आएगा होल्मियम, होल्मियम के बाद आएगा दिस वन इरबियम, इरबियम के बाद आएगा थूलियम, थूलियम के बाद आएगा यट्रबियम, और यट्रबियम के बाद आएगा ल्यूटिशियम। काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहां लिखा दिस वन 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, याद रखेंगे कि सभी के अंदर क्या आएगा, ज़ीनोन आएगा, इट इंक्लूड्स ज़ीनोन, ज़ीनोन सभी के अंदर आएगा, ज़ीनोन आएगा बेटा। यह ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहां ज़ीनोन लिख दिया, इन सभी में ज़ीनोन का फॉर्मेशन है, ठीक है, इक्वल टू कर लेंगे। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी बच्चों को लिखना आना चाहिए, कैसे करके लिखा जाएगा ये ध्यान देंगे आप।
जैसे आपने जीनोन लिखा उसके बाद आएगा 4F हो गया, 5D हो गया, 6S, सभी में 4F5D6S, 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 यहां भी आएगा 4F5D6S, 4F5D6S। ये सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कैसे करके लिखा जा रहा है। ये बेटा ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या है कि जितना भी हमारे पास एस वाला होगा उसमें सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन है, सभी के एस में दो दो इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब भूल नहीं सकते जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ऐसे करके लिख दो सबके एस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया, याद रखिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो जीनोन है उस जीनोन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54 होता है, इतना लिख दिया। इसके बाद अगर यहां पहले की अगर बात करें, एक इसमें है जो सीरियम है उसके 5D में 1 होता है, ठीक है बेटा। सीरियम में 5D में 1 होता है, इसके बाद गैडोलिनियम जो है इस गैडोलिनियम के डी में 1 होता है, और गैडोलिनियम के बाद ल्यूटिशियम के डी में 1 होता है, बाकी सभी में डी 0 होता है। देखो 0 बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद रखने का तरीका है, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये ऐसे करके आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख दिया, ठीक है बेटा। एक तो सीरियम में क्या है, डी में 1 है, गैडोलिनियम के अंदर डी में 1 है, और जो ल्यूटिशियम है उसके डी में 1 है। इतना लिखने के बाद आपने क्या करना है कि जैसे मान लो मैं सीरियम की बात करता हूं, तो अगर ये 54 अगर ये है, तो अगर ये 54 होगा तो ये 54 के बाद 56, 57 एक और बच रहा है, इसलिए 58 बन गया। यहां क्या करता है, 1, 2 और एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करके यहां अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां डी 0 था तो यहां F3 बन जाएगा। याद रखेंगे कि एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 14 आते हैं। एफ के अंदर जो टोटल नंबर में ऑर्बिटल होते हैं वो 7 होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करते हैं, इसलिए एफ के अंदर मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 14 आते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, यहां 3 लिख दिया, यहां आप जो आएगा यहां 4 लिख देंगे, यहां 5 लिखेंगे, यहां 6 लिख देंगे, यहां लिखेंगे दिस वन 7 के बाद यहां फिर अगेन 7 लिखेंगे, ये 8 हो गया, यहां सीधे 9 लिख देंगे, यहां 10 लिखेंगे, यहां 11 लिखेंगे, यहां 12 हो गया, यहां 13 हो गया, यहां 14 हो गया, यहां 14 हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स को गिनना भी है तो आप चेक कर सकते हैं, यहां कितना हो गया, 54 हो गया, 55, 56 हो गया, ठीक है, और 3 कितना हो गया आपका, 59। यहां आपका 54 हो गया, 55, 56 हो गया, 4 ऐड किया 60 बन गया। यहां पे रेगुलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये इनका क्या बना, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने ड्रॉ करके आपको दे दिया। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करके लिखा जाता है, ये सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखना आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी सारे ये एलिमेंट्स हैं, अगर मैं एफ ब्लॉक की अगर बात करूं तो इस एफ ब्लॉक के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर याद रखेंगे कि एफ 0 जहां होगा, एफ 7 जहां होगा और एफ 14 जहां होगा, वहां सबसे ज्यादा क्या बनती है, स्टेबिलिटी बनती है। मतलब वो कंडीशन अपने आप में सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर मान लो हम इसकी इनकी स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इन कंडीशन के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ये था बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखा जाता है। बेटा आज का जो टॉपिक था बेटा मेरा आपको बताने का, वो केवल और केवल एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या इनका जो जनरल इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको बताया, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है वो आपको बताया, इनमें जो हमारे पास लेंथेनोइड आते हैं इनको हम लेंथेनाइड भी बोलते हैं, इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है। बोला जाता है कि 1907 से पहले जितने भी ये लेंथेनोइड्स थे इन सभी को ये माना जाता था कि ये सारे के सारे अपने आप में एक ही एलिमेंट है,
14 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको यह माना जाता था कि 1907 से पहले कि सारे के सारे एक ही एलिमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके जो एटॉमिक रेडियाई बनती है उस एटॉमिक रेडियाई के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है एटॉमिक रेडियाई का, दैट्स व्हाई ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या समझे जाते हैं, अपने आप में एक ही एलिमेंट समझे जाते थे। लेकिन 1907 के बाद इनके ऊपर वर्क हुआ और फिर देखा गया कि दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। इनमें से जो सेमेरियम था, वो जो सेमेरियम मैंने यहां लिखा है, ये सेमेरियम अपने आप में, सॉरी प्रोमिथियम नॉट सेमेरियम, प्रोमिथियम जो था उसे मैंने आपको बोला था कि ये अपने आप में कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से या सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। हो बेटा अब सभी बच्चों को जो कंसेप्ट मैंने आपको करवाया वो आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।